देखो लग नहीं रहा है कि ये क्या है। देखिए किस तरीके से एक ऊपर एक डिब्बे चढ़ चुके हैं और जिसके सहारे पूरी ट्रेन चलती, पहिए वो पहिए बाहर हो चुके हैं, निकल चुके हैं। ये देखिए किस तरीके से बाहर पड़े हैं, इधर ये भी, तो क्या बोल सकते हैं। चलिए जो भी है ठीक है, बस कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पब्लिक सवारी गाड़ी नहीं थी, बहुत अच्छा हुआ ये चीज़ की। ये देखिए अभियान चल रहा है इसका पूरा, और इसको रेस्क्यू किया जाएगा। देखिए किस तरीके से सारे पहिए निकल के एक के ऊपर एक चढ़ चुके हैं, देखिए। और इधर पूरी टीम लगी हुई है बहुत दूर दूर तक। इधर बगल में भी ट्रैक है एक, जो कि अभी चालू दूसरा ट्रैक बनाया गया है, शायद उसको यूज़ किया जाएगा जो गाड़ियां हैं सवारी वाली उनके लिए, वो दूसरा ट्रैक है। लेकिन ये पुराना ट्रैक था, जो मेन ट्रैक होता है पहले वाला था उसी में हादसा होता है, और वाला अभी नया ट्रैक बना हुआ है तो उसको इस्तेमाल में किया जाएगा अभी। लेकिन अब कितना समय लगता है, कुछ गाड़ियों का लेट तो काम होगा ही, है कि नहीं। लेकिन बहुत जल्दी रिकवर किया जाएगा। सारी टीम देखो लगी हुई है अपने अपने काम में, लाइट वगैरह लग रही है, रात में काम किया जाएगा देखिए, ठीक है। और देखिए मशीन वो भी आ चुकी है, गैस जिससे कटिंग मशीन, जिससे काट के निकाले जाएंगे डिब्बे सभी, ठीक है। तो यही है, खाली थी गाड़ी, अगर भरी होती तो शायद और नुकसान हो सकता था। लेकिन देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर स्प्रिंग जो होती है उसकी स्प्रिंग देखिए बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। स्प्रिंग ये देखिए क्या है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, आई डोंट नो। लेकिन ये हादसे, खैर मालगाड़ी थी तो कोई बात नहीं, अगर ये सवारी गाड़ी होती तो क्या होता, आप समझ सकते हैं कि क्या बुरी कंडीशन होती है जब फुल स्पीड में गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, वो भी ट्रेन में। और वैसे ये सवारी गाड़ी नहीं थी, और तो यही बहुत ही गलीमत है। वरना अभी एक और हादसा फतेहपुर में हुआ था मलवा के पास, ठीक है, जो कि सवारी गाड़ी थी जिसपे काफ़ी सारे यात्री भी थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे सब कुछ यहाँ बाहर हो चुका है, ठीक है। और ये देखिए कैसे एक के ऊपर एक, और इधर देखिए, ये देखिए ये हालत है, सब देखिए सब निकल के बाहर हो गए हैं। ये देखिए बुरी कंडीशन ये है, देखिए जब एक्सीडेंट होता है किसी ट्रेन का तो ये हालत होती है, तब समझिए आप। अगर ये सवारी गाड़ी होती तब क्या होता, सही कह रहे हैं, यहाँ पे चीखने की आवाज आती घोड़े के माथे में। लेकिन बहुत शुक्र था कि त्यौहार था दिवाली के अवसर पर, और ये बड़ा हादसा फतेहपुर में होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं देखिए सारे औजार भी, ये कटिंग मशीन सब कुछ यहाँ पर मशीनें आ चुकी हैं, गैस वेल्डिंग मशीन है, गैस कटिंग मशीन भी आ चुकी है, तो जिससे कटिंग करने का काम जल्दी से जल्द ट्रैक को फ्री किया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे डिब्बे हैं उधर पीछे साइड जो कि आपस में चढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, देखिए कैसे पटरी जो है वो ऐसे ऐसे घूम चुकी है, तिरछी हो चुकी है, ये देखिए टूट गई है गाड़ी, शायद मुझे इधर से आ रही थी ये गाड़ी, और जो कि आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। फतेहपुर के रमवा में ये हादसा हुआ है, और किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है पूरी मेन लाइन जो हावड़ा दिल्ली को जोड़ती है, और देख सकते हैं ये हालत होती है। और ये देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है ट्रेन, और मैं आपको लाइव दिखा पा रहा हूँ। देखिए इसके तो टायर ही गायब हो गए हैं, इसके पहिए कहाँ गए पता ही नहीं चला। तो बहुत तेज़ी से टीम काम कर रही है, देखिए ये टीम के मेंबर हैं जो लोग काम करते हैं, और बहुत तेज़ी से अपना जो भी काम है किया जा रहा है। मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए लाइट वगैरह सेट हो रही है पूरी, और ये देखिए कटिंग मशीन वगैरह आ चुकी हैं जिससे काटने का काम किया जाएगा, ठीक है। और इधर ये देखिए किस तरीके से पटरियाँ, ट्रेन आपस में, डिब्बे देखिए कैसे चढ़ जाते हैं। ये देखिए पूरा मलबा जो है वो इकट्ठा हो जाता है ऊपर तक, देखिए एक के ऊपर एक पूरे डिब्बे आपस में चढ़ चुके हैं। ये ट्रेन है जो कि मालगाड़ी है, फतेहपुर में रमवा में हुआ स्टेशन में हादसा, ये जो कि मैं आपको लाइव दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हालत होते हैं, देखिए किस तरीके से ये ज़मीन में स्प्रिंग और इसका टायर निकल के कैसे बाहर आ गए हैं। ये देखिए सब अलग अलग हो गए हैं टायर, सब अलग अलग हो चुके हैं टायर, सारी टीम जो है लगी है, सारे अधिकारी जो हैं वो भी आ चुके हैं यहाँ पर, रेस्क्यू का काम चालू है। और इधर भी देखिए पूरी फोर्स है, और रेस्क्यू देखो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है,
किस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी ट्रैक को सही किया जाए ताकि आगे आवागमन हो सके। तो ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फतेहपुर में ये हादसा हुआ है। बहुत सारी भीड़ आ चुकी है यहाँ पर, अब बहुत सारी टीम मेंबर और देखिए वर्कर भी बहुत सारे हैं जो अपने अपने काम में लग गए हैं। ये देखिए भाई साहब भी लग चुके हैं और बहुत तेज़ी से अब काम चालू है। ये देखिए तो यही है, ये देखिए ये गैस वेल्डिंग वाली मशीन है जिससे कटिंग का काम किया जाएगा, वो भी आ चुकी है यहाँ पर। और इधर देखिए ये गांव के लोग हैं जो यहाँ पर हाजिर हैं, देख रहे हैं। और ये मेन लाइन है जो हावड़ा और दिल्ली को जोड़ती है, मेन लाइन फतेहपुर के पास ये हादसा हुआ है। और अब काफ़ी सारी ट्रेन भी लेट चलेंगी, रद्द भी हो जाएंगी कुछ ट्रेन। लेकिन अभी साइड में एक और ट्रैक है, वो वाला ट्रैक वो नया बना हुआ है, शायद उसका इस्तेमाल किया जाए गाड़ियों को पास करने में, ठीक है। तो अभी ये लाइन तो फ़िलहाल में तो पास नहीं की जाएगी क्योंकि ये अभी काफ़ी टाइम लगेगा, 24-48 घंटे लग सकते हैं, 24 घंटे भी लग सकते हैं। क्योंकि देखिए इस तरीके से पटरियाँ निकल चुकी बाहर, ठीक है। ये देखिए किस तरीके से पटरियाँ बाहर निकल चुकी है, उखड़ चुकी हैं। ये देखिए नीचे पूरी, शायद मुझे लगता है कि ये इस ट्रैक में थी, एक ट्रैक में नहीं थी, लेकिन ये लड़ने की वजह से देखिए किस तरीके से पटरी भी बाहर टूट चुकी है। पटरी तो नहीं टूटी लेकिन नीचे जो उसका जो होता है वो निकल के बाहर आ चुका है, टायर वगैरह सब बाहर आ चुके हैं, जितने भी उसके पहिए हैं ट्रेन के। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और बहुत सारी टीम है जो काम में लगी है अपने, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके से ये सब निकल के, पता नहीं क्या है ये, आई डोंट नो, ब्रेक वगैरह है शायद, क्या है पता नहीं। देखिए सायरन वगैरह, लाइट वगैरह, यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ये देखिए इस ये जो सेकंड लाइन है इससे पास करने का काम किया जा रहा है, जो कि एक नई लाइन है। और देखिए ये अब सारी ट्रेनों को, आप सारी ट्रेनों को उस लाइन से पास किया जाएगा, ये जो नई लाइन थी उसी से पास किया जाएगा। ये देखिए जैसे कि ये सवारी गाड़ी है जो कि पास की जा रही है, और नई लाइन का काम जो था ये ट्रेन में, ये काफ़ी समय पहले बन गई थी और जिससे अब इसी से गाड़ियां पास की जाएंगी। देखिए ये मालगाड़ी के अलावा जो सवारी गाड़ी हैं सब यहाँ से पास की जा रही हैं। ये देखिए ये जा रही है सवारी गाड़ी जो कि नई लाइन से पास करने का काम किया जा रहा है। और देखिए अंदर कैसे लोग देख रहे हैं बाहर, संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस है ये, और लोग कैसे तार रहे हैं, निहार रहे हैं, देख रहे हैं क्या हुआ ये हादसा। और ये देखिए संबलपुर से जम्मू तवी जाने वाली ये माल उस सवारी गाड़ी है जो कि अब उस नई लाइन से उसको पास किया जा रहा है, और ये अभी जो मेन लाइन है उससे ये हादसा हो चुका है। ये देखिए ये मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, बहुत ही, ये देखिए मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए अब ये संबलपुर टू जम्मू तवी, ये इससे अब लाइन पास की जा रही है, जो भी ट्रेनें हैं बस इधर से जाएंगी नई वाली लाइन से, और ये भी शायद आगे जुड़ती है फतेहपुर के आगे जाके वो कनेक्ट हो जाएगी इसी लाइन पे। लेकिन अब लाइन वो ख़राब हो चुकी है, एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का, इस वजह से अब ये लाइन से इसको पास किया जा रहा है। चलिए ये बहुत सही है कि सवारी गाड़ी नहीं थी, माल गाड़ी ही थी। और देखिए सभी लोग मोबाइल से शूट कर रहे हैं वीडियो, सब वीडियो देखिए, सब कैमरा, सबका कैमरा स्टार्ट है, देखिए किसी का कैमरा, सबके कैमरे स्टार्ट हैं और सब शूट किए रहे हैं। देखिए भाई सब मुस्कुरा भी रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से, यही है कि सवारी गाड़ी नहीं थी, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए सारे जो डिब्बे हैं किस तरीके से एक के ऊपर एक चढ़ चुके हैं, अब समझिए आप, देखिए पलट गए हैं पूरे डिब्बे, पलट गए, इनके पहिए कहाँ निकल के गए पता ही नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये डिब्बे चढ़े हुए हैं, पहिए कहाँ निकल के भग गए पता ही नहीं चला, अब समझ सकते हैं। ये देखिए ठीक है, यही है। और इधर दिखाना चाहूँगा आपको मैं, नहीं 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 फतेह बाहर निकलेगी, अब वो फतेहपुर के आगे निकलेगी जाके। ये देखिए इधर और दिखाना चाहूँगा मैं, ये देखिए इधर ये
इधर भी काम चल रहा है, ये देखिए मैं आपको, चलिए आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि इंजन कहाँ गया। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए मैं आपको अब और चीज़ें दिखा रहा हूँ अब और पास से। ये देखिए किस तरीके से ये, ओ माय गॉड, बाप रे क्या बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। ये देखिए अब हम इधर आ चुके हैं, 12 से 13 14 डिब्बे जो हैं वो देखो कैसे हवा में उड़ रहा है, ये हवा में उड़ रहा है रेलवे का डिब्बा, रेल का डिब्बा देखो हवा में उड़ रहा है, साला कोई उठा नहीं सकता और ऑटोमेटिक देखो कहाँ गए, इसका टायर वायर निकल के पता नहीं कहाँ चले गए और हैं सारे पड़े हैं, बाहर निकल के आ गए हैं। ठीक है, और ये देखिए ये इधर है ऊपर, और ये देखिए इधर, इधर से लाइट का काम चालू है और देखिए बहुत तेज़ी से पूरी टीम लगी हुई है। देखिए देख सकते हैं सारे कर्मचारी जो हैं रेलवे विभाग के बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक्टिवनेस है। देखिए सभी लोग बेचारे कैसे काम कर रहे हैं, ये डिब्बा वो कहाँ है, इंजन कहाँ है इसका, है इंजन किधर है, इंजन किधर वहाँ है क्या वो इंजन आगे, चलो चलो और इंजन कहाँ है उसका, वहाँ आगे है वो इंजन आगे है उसका, वो देखिए चलिए। ठीक है देखो मैं बना रहा है, हम भी बना रहा है, इंजन उधर गया है, इंजन वो है, इंजन आगे साइड है, इंजन वो है ना आगे, अच्छा इंजन, इंजन देखो गाइस कहाँ पर है, इंजन वहाँ है, ये देखिए इंजन कितनी दूर है, ये देखिए अभी आगे भी बोगी पलटी हुई है। चलिए ये देखिए रेस्क्यू का काम चालू है बहुत तेजी से, और ये देखिए टीम कैसे, ये देखिए देखिए ये देखिए कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए सारी टीम लगी हुई है अपने जोरों और जुनून के साथ, जज्बे के साथ, और इस ट्रैक को बहुत ही जल्दी सही करने की कोशिश की जा रही है, मेन लाइन है। देखिए कितने सारे लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, ये सभी वर्कर हैं जो रेलवे के उस ट्रैक में काम करते हैं, और वो देखिए इंजन वहाँ पर है। देखिए गाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ से मैं दिखाता हूँ कितनी दूर इंजन गया है, ये देखो कितनी दूर इंजन जाके वहाँ गिरा है जाके, और चलिए वहाँ भी चलते हैं एक बार, अभी तो यहाँ पर देखिए कितनी कितने मतलब 500 मीटर दूर, हाँ 500 मीटर दूर इंजन वहाँ जाता है, और ये क्या नाम है डिब्बे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं मिट्टी के जैसे, नहीं ऊपर के ऊपर वैसे इकट्ठे हो जाते हैं। चलिए क्या ऐसे क्या कर सकते हैं, होने को कोई टाल नहीं सकता। ए ऊपर नहीं उधर से नहीं, लाइट नहीं होगी, नहीं होगी लाइट, देखिए किस तरीके से सारी लाइट जो है वो बर्बाद हो चुकी है बिजली, और शायद अब इसमें लाइट पावर नहीं है। ठीक है आए अल्तमस 20 से चलो, करंट नहीं होगा, नहीं होगा, हटा दिया गया ना, ये देखो अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ ये देखिए यहाँ पर, हट जाओ हट जाओ, देखो कितनी दूर है ये, और इंजन कहाँ है, जल्दी आगे बढ़ो भाई, जल्दी आगे बढ़ो, इंजन देखो कितनी 500 मीटर दूर जाके इंजन गिरता है, वाह मैं कह रहा हूँ 110-120 रही होगी, 110 और 120 की स्पीड में था, और समझिए कि इंजन के सारे डिब्बे यहाँ यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, और इंजन कहाँ जाता है कितना दूर, 14 बोगी हैं, 14 बोगी यहाँ रह जाती है और आगे पूरा इंजन, इंजन सेफ है, इंजन सेफ है, अच्छा कैसे हुआ 14 बोगी सिर्फ रह जाती हैं, और ये देखो ये इधर तो सही है ट्रैक है ना, पूरा ना स्टेशन में, ये देखिए गाइस यहाँ पर भी ये जो ट्रेन के डिब्बे हैं, देखो मैं वहाँ से आया हूँ अभी, वहाँ पर डिब्बे सारे इकट्ठे हैं, और यहाँ पर देखिए इधर भी वही हालत है, इधर भी देखिए
ये देखिए किस तरीके से जो निकल चुके हैं बाहर। यहाँ भी इतनी दूर भी देखिए, ये देखिए आधा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये मेन नहीं जाएंगे वहाँ। ये देखिए ये बीच में रास्ते में यहाँ पर पड़ा हुआ है। कहाँ चला गया इंजन? चलिए इंजन जा चुका है। तो इंजन जा चुका पूरा? अरे ठीक है रहने दो, तो इंजन है ही नहीं। ये देखो यहाँ भी मतलब ये टायर वायर निकल के पूरे इसके जो पहिए हैं ट्रेल डिब्बे के यहाँ भी हैं। बताइए कहाँ कहाँ गए होंगे ये। वो वहाँ भी मुझे लगता है वो निकल गई है। तो अब तो काफी समय लगने वाला भाई साहब, आप यहीं पर काम करते हैं? यहीं जब ये उतर गए एक ट्रेन दबाए हैं। अच्छा, तो आप मतलब यहीं पर हैं, लोकल के हैं या फिर कहीं बाहर के हैं? फतेहपुर स्टाफ है पूरा है। अच्छा, तो कम से कम कितना समय लग सकता है इसको रिकवर करने में? आप कंडीशन देखा बहुत बुरी है। कल तक हो पाएगा? हाँ सही कह रहे हैं आप, कल तक हो पाएगा ये। और अब बहुत आगे नहीं जाएंगे हम, बहुत दूर है उधर।